नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपना कोर्स क्रिएट कर सकते और वो भी मात्र 72 घंटे में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जिस तरीके से हम लोग करते हैं कि क्या करते हैं, कोर्स एक डिसाइड कर लेंगे, हाँ ये कोर्स बनाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू करते हैं, वो तरीके नहीं। हम लोग यहाँ से बिल्कुल बेसिक से लेकर के एट द एंड पॉइंट किस तरीके से आपको अपना कोर्स तैयार करना चाहिए, कैसे आपको करिकुलम अपना तैयार करना चाहिए, अपने कोर्स का टॉपिक किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को मटेरियल वगैरह देना चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए जो भी आप कोर्स रेडी कर रहे हैं, और उसके बाद में आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है कि आपको सबसे पहले कमिटेड होना चाहिए कि हाँ आपको कोई कोर्स बनाना है। ये सबसे पहले आप कमिटमेंट करना पड़ेगा आपको खुद से कि हाँ मुझे ये कोर्स बनाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर को पता है कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट का टीचर हूँ, बट उससे बोलिएगा ऑनलाइन कोर्स बने, बोले क्या बनाया समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आप एक कमिटमेंट लीजिए कि हाँ आप ऑनलाइन कोर्स तैयार करने वाले हैं। अब जब आपने कमिटमेंट ले लिया तो उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमिटमेंट तो ले ही चुके होंगे। अगर उसके बाद बात करते हैं कि अगले पॉइंट पे, तो डिसाइड ऑन ए कोर्स टॉपिक, यानी कोर्स का टॉपिक क्या होगा। देखिए, हो सकता है आप स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स बना रहे हो सकता है आप कोई विजन से रिलेटेड या एमबीए वगैरह टाइप का कोई कोर्स बना रहे हो सकता है आप के 12 वाले सेगमेंट में है, यानी 10th 11th 12th ये सब बच्चों को पढ़ा रहे हो, या हो सकता है आप जनरल कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप ना अपने टॉपिक को डिसाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं टॉपिक को डिसाइड कर लीजिए कि हाँ अगर आप जीके जीएस के टीचर है तो जीके जीएस में आपको किस सब्जेक्ट का कोर्स बनाना है। हो सकता है आपको हिस्ट्री का पहले कोर्स बनाना हो सकता है पॉलिटी का कोर्स बनाना। अब देखिए, अब है क्या ऑनलाइन के सेक्टर में अगर पूरा जीके जीएस पढ़ाने में आपको 6 से 8 महीने का समय लग रहा है और आप चाहते हैं जल्दी से कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना, तो आपको मेरे ख्याल से कोई छोटा सा टॉपिक लेकर के आपको ऑनलाइन आना चाहिए, क्योंकि उससे आपको मार्केट का आइडिया लग जाएगा। अब सपोज करते हैं ना कि आपकी पॉलिटी अगर 20 घंटे का कोर्स हो जाएगा, 20 घंटे में आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, तो आपको पॉलिटी शुरू करना चाहिए, ना कि हिस्ट्री जो कि 60 घंटे में समाप्त होगी। तो कोई छोटा सा टॉपिक आप डिसाइड करके उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है वो है वैलिडेट योर कोर्स आइडिया, यानी कि आपके कोर्स का आइडिया क्या है। जैसे मान लीजिए अगर सपोज करते हैं आप जीके जीएस है, मैथ है, किसी सब्जेक्ट के टीचर है, तो आपने एक कोर्स तो बना ही सकते हैं। मैथ का टीचर है तो मैथ का कोर्स बना दीजिए, जीके जीएस के टीचर है तो जीके जीएस का कोर्स बना दीजिए। अब वैलिडेट योर कोर्स आइडिया का मतलब क्या है, देखिए अगर मान लीजिए ना सपोज करते हैं कि रेलवे का एग्जाम खत्म हो गया, अब आने वाला एग्जाम है एसएससी सीजीएल का, तो आप अगर रेलवे को डिसाइड करके कोई कोर्स क्रिएट करेंगे कि हाँ रेलवे में पूछे गए प्रश्न और रेलवे से रिलेटेड कोई कोर्स बनाएंगे, तो आपका ये कोर्स फ्लॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के विपरीत आप काम कर रहे हैं। मार्केट है अगर मान लीजिए एसएससी सीजीएल का, तो आपको क्या करना चाहिए कि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोर्स बनाना चाहिए, और जो भी आपको टॉपिक है, जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह, जो भी चीजें यूज करना चाहिए, वो ये ध्यान में रख के करना चाहिए कि आप एसएससी सीजीएल के लेवल का करा रहे हैं। अब उससे होगा ये कि देखिए आने वाला जो भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए अगर आप मैथ ही पढ़ा रहे हैं और मैथ पढ़ा रहे हैं रेलवे का पढ़ा रहे हैं, रेलवे का एग्जाम होकर के चला गया है, या आप किसी और टीचर का देख करके सोच रहे हैं नहीं रेलवे वाले सेक्शन में ज्यादा व्यू जाता है तो मैं भी रेलवे का शुरू करूंगा, तो हो सकता है कि उस स्पेसिफिक नीच पे कुछ टीचर का ही व्यू जा रहा हो या कुछ टीचर के ही कोर्सेज चल रहे हो। आपको अगर कोई अपना कोर्स बनाना है तो कुछ ऐसा कुछ यूनिक कंसेप्ट लेकर के आइए, कुछ आने वाले फ्यूचरिस्टिक टाइप का कोर्स लेकर के आइए, जैसे कि आने वाला समय उसका हो या आने वाले बहाली उसका हो, उस तरीके के कोर्सेज आइडिया पर अगर आप काम करेंगे तो आपका कोर्स सक्सेसफुल हो सकता है। अब बात करते हैं आगे कोर्स करिकुलम एंड प्राइसिंग। अब देखिए सबसे पहली चीज, जो मान लीजिए अगर मैं अगर आपका स्टूडेंट हूं और आप अपना कोर्स मुझे सेल आउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बच्चा जो देखता है वो कोर्स करिकुलम देखता है और उसके बाद प्राइसिंग डिसाइड करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्राइसिंग वाले सेक्शन पे बहुत ज्यादा काम कर देते हैं कि हाँ प्राइस कम रखेंगे तो चल जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। जबकि आपको काम करना चाहिए कोर्स करिकुलम पे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अगर कोर्स खरीदता है या कोई भी स्टूडेंट कॉल करता है तो आपसे कोर्स का सिलेबस पूछता है, ना कि आपसे कोर्स का प्राइस पूछता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोर्स के प्राइस पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं, करिकुलम पे ध्यान देते ही नहीं है, और एट द एंड ऐसा होता है कि अगर सस्ता बच्चा कोर्स ले लिया तो आपका अलग से मार्केट में निगेटिव चला जाएगा, क्योंकि आपने कोर्स करिकुलम पे ध्यान नहीं दिया। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपना कोर्स करिकुलम डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ हम पहले ये टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद इस टॉपिक का इस तरीके से पीडीएफ देंगे, असाइनमेंट देंगे, ये सारी चीजें पहले आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आप प्राइसिंग रखिए कि हाँ आपने जब कॉन्टेंट बना लिया कि हाँ आपने इतना लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आप करा रहे हैं, मान लीजिए 300 घंटे से ज्यादा का लेक्चर आप करा रहे हैं, मान लीजिए 30 घंटे से ज्यादा का लेक्चर करा रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल के लेवल को टच कर रहे हैं, ठीक है। जब ये सारी चीजें जब आप कर लिए, करिकुलम बना लिए, उसके बाद में आप प्राइसिंग पे, हाँ इतने वैल्यू अगर मैं दे रहा हूँ लोगों को तो इसका प्राइस मुझे क्या रखना चाहिए, तो
इस केस में आप आ सकते हैं कि प्राइसिंग मान लिया 499 रखेंगे या प्राइसिंग 999 रखेंगे, इस तरीके के, यानी कि कोर्स करिकुलम तैयार करने के बाद में आपको प्राइसिंग पे आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 99 रुपए में कोर्स लाएंगे, क्या क्या दे सकते हैं 99 रुपए में, 99 रुपए में 10 को टेस्ट दे देते हैं, उसके बाद 20 घंटा का लेक्चर दे देते हैं और 100 को क्वेश्चन करा देते हैं। तो ये चीजें है ना कि बच्चा 99 रुपए देख करके आपका कोर्स नहीं खरीदेगा, बच्चा देख करके खरीदेगा कि आप कितनी सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। हाँ हो सकता है आप ज्यादा वैल्यू दे करके कम प्राइस रख सकते हैं, लेकिन कम प्राइस रख करके कम वैल्यू देंगे ना तो आपका निगेटिव चला जाएगा। तो इसलिए कोर्स करिकुलम और प्राइसिंग को एक अच्छे तरीके से समय दीजिए डिसाइड करने में, और एक दिन आप इसमें प्रॉपर समय दे सकते हैं कि क्या रखेंगे क्या हटाएंगे, इसका प्राइस मिनिमम क्या होना चाहिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब हो सकता है कि आपके कोर्स में एक से ज्यादा टीचर लग रहे हो, या हो सकता है कि आप अपने कोर्स में नोट्स टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें आप लाना चाह रहे हैं। अब हो सकता है ना कि आप पहले तो सबसे पहले बात करें लेक्चर का, अगर आप लेक्चर बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके 10 टीचर हो तो 10 टीचरों से कम्युनिकेट कीजिए कि हाँ सर आप ये लेक्चर बना सकते हैं। उसके बाद में अगर पीडीएफ अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए अपने टीम से बात कीजिए कि हम बच्चों को इस तरीके से पीडीएफ देना चाहते हैं, ये नोट्स है इसको टाइप करके पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए। उसके बाद अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको पीपीटी आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बिल्ड करते नहीं है, जैसे कोई भी आप देखते होंगे घर भी अगर बनता है ना तो घर बनता है तो पहले उसका डिजाइन बनता है, डिजाइन के बाद में न्यू खनाता है, न्यू खनाने के बाद में उसको ईटा जोड़ करके घर बनाया जाता है। टीचर लोग क्या करते हैं कि पहले तो डिसाइड कर देगा हम ये बेस देंगे, उसके बाद में ये कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसाइड ही नहीं करते हैं। आप पीडीएफ कहाँ से आएगा, पीपीटी किस कैसे देना है, किस तरीके से बच्चों का टेस्ट होगा, ये सारी चीजें डिसाइड ही नहीं करते हैं और कोर्स लॉन्च कर देते हैं। तो होता क्या है ना कि चीजें टाइम पे नहीं होती, और चीजें टाइम पे होती भी है तो काफी सारा एरर होता है जिसके कारण टीचर को निगेटिव जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि लेक्चर क्या क्या लेक्चर देना है इसको डिसाइड कर लीजिए, पीडीएफ किस तरीके से बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिए, पीपीटी कौन बनाएगा इसको तैयार कर लीजिए, टेस्ट अगर आप वादा किए कि टेस्ट भी देंगे तो टेस्ट क्या क्या होगा, क्वेश्चन पेपर सेट है कि नहीं है, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के बाद में तब जाकर के आप अपने कोर्स को लॉन्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप बैकएंड में तैयार करके तब लॉन्च कर सकते हैं। अब उसके बाद में जब आप लॉन्च कर रहे हैं कोर्स, तो कोर्स लॉन्च करने के बाद में आप अपना कोर्स को क्रिएट करना शुरू कीजिए, कोर्स के कंटेंट को क्रिएट करना शुरू कीजिए। पहले आपको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, यानी कि पीपीटी कौन सी टीम बनाएगी, पीडीएफ कौन सी टीम बनाएगी, उसके बाद में टेस्ट कौन सा टीम ले रहा है, लेक्चर लेना है तो कितने टीचर हैं, किस टाइप से लेक्चर होगा, लेक्चर का लेंथ क्या होगा, ये सारी चीजें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, उसके बाद में आप अपने कोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद में होगा क्या ना कि आपका जो कोर्स है वो मास्टरपीस बन करके सामने आएगा। तो उम्मीद है आपको इसमें से थोड़ा बहुत पॉइंट भी अगर हेल्पफुल लगा होगा तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ जो टीचर होंगे या आपका स्टूडेंट और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने टीचर को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।